गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस मैं व्लॉग स्टार्ट फिर से कर रहा हूँ क्योंकि यार मैंने सोचा कि जो मेरे कंटिन्यू व्लॉगर हैं, जैसे कि जितने व्यूज़ आ रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं, वो तो एंटरटेनमेंट हो ही रहे हैं ना, तो उनके लिए तो मैं व्लॉग बनाऊंगा ही बनाऊंगा यार। तो मैं सोचा तो मैं फिर से आ चुका हूँ गाइस, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। और गाइस अभी का सीन ऐसा है कि अभी इवनिंग हो रही है, शाम के 4:30 बज चुका है और मैं बना रहा हूँ भैया से चाय, सबके लिए चाय बना रहा हूँ। अम्मा बबू देखो मम्मी, अंदर अलग ही लड़ाई चल रही है कुत्ते बिल्ली के बीच में, मम्मी उनके लिए सबके लिए चाय बन रही है। और बिग बॉस देख रहे हो, देख रहे हो भाई, जो मतलब ना बिग बॉस देखो यार, क्योंकि एलवी जी यादव उसमें आ चुके हैं और उसने कल के उसमें लड़ाई लड़ाई भी कर दी, मतलब ऐसा सीन हो गया कुछ अविनाश से, तो तगड़ा सीन होने वाला, वोट करो एलवी यादव को। और बाकी चलो फिर आज का व्लॉग अगर स्टार्ट कर दिया है तो गाइस पूरा व्लॉग देखना और देखते रहना मैं क्या क्या दिखाता हूँ व्लॉग्स में, बाकी एलवी यादव को। और मतलब जब सोच शुरू हुआ था, जब मतलब पुनीत सुपरस्टार हुआ था तो जियो सिनेमा की मतलब रेटिंग गिर गई थी, लेकिन एलविस भाई आया तो पहले स्टार जब नहीं आया था, स्टार एक थी, जैसे वो आया 3-3 स्टार चढ़ गए, तो ट्विटर में टॉप में चला था एलविस यादव को। तो गाइस बस बने रहना ब्लॉग में, चलते हैं आगे। हाँ क्या 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 गाइस ये देखो, और ये देखो तो इनके बीच में महासंग्राम होने वाला है, और हमारी इसने शायद देख लिया, ये देखो और शेरो शेरो ट्विटर मत, ये तो एकदम एटीट्यूड में रहो, तो एकदम एटीट्यूड में रहो शेरू। हाँ ये हाँ ये ये चले गया बाहर, अरे बाप रे इतनी ब्राइटनेस, फोन नहीं झेल पा रहा शेरू, डर मत। ये गाइस बिग बॉस का घर, अभी कुछ नहीं कर पाएगा। और गाइस आप बहुत दिनों के बाद बाहर, धूप हो तो यार क्या हो क्या रहा है, बहुत दिनों के बाद बाहर आज धूप आई है, ये देखो भाई ये धूप आई, बढ़िया वाली सिस्टम वाली धूप आई आज। दोपहर 3:30 बजे तो बहुत बोने थे, वो बहुत अभी इतने अच्छे से जमे नहीं है, तो बारिश के कारण वो सड़ गए और दोबारा उसमें हम बहुत लगाएंगे। और मम्मी भी आ रही खेत में बहुत गुड़ाई करने के लिए, देखो मौसम कितना साफ हो गया पीछे से पूरा। और यहाँ पर घेराबंदी लगी है भैया, घेराबंदी में आराम से पार करना चाहूँगा, एक मिनट मेरे हाथ में गोहत है और फटी पन्नी है, फट गए तो सारे गोहत फट जाएंगे, तो मैं गाली खाऊंगा गाइस। और मिर्ची देखने भी आए हैं, आपको भी दिखाऊंगा मिर्ची, चलो पहुँच गया भाई खेत में। और यहाँ तो मिर्ची है ही नहीं भाई, कहाँ है मिर्ची, मैं झाड़ देखो मिर्ची दिखी नहीं रही है भाई, कहाँ गई मिर्ची, इनको ये गुड़ाई चाहिए भाई, गुड़ाई मिर्ची हो तो रही है, इनको गुड़ाई चाहिए गुड़ाई ये। और ये गोहत का खेत देखो कैसा हो गया, मौसम देख लो एक बार, ले भाई सिस्टम सिस्टम से आ जाएगा। वोट मत करना भूलना, वोट करते रहना आप एलविज भाई को, जितवाना है इस बार बिग बॉस, उनके टीममेट बोल रहे हैं गुड़गांव से एनसीआर पूरे दिल्ली, जब भाई विनर बन के घर आएंगे तो 1001 गाड़ियों का काफिला आएगा एयरपोर्ट से लेके पूरी दिल्ली गुड़गांव एनसीआर घूमेगा। तो गाइस मम्मी लोग जा रहे हैं, उनसे मिलाता हूँ। मम्मी भी आ चुकी है खेत में, पीतू भी, और इसने मिर्ची तोड़ दी, मम्मी मर जा तोड़ना, ले ले पीतू को शर्म लागण है, कहाँ फेंकना से एक पीतू को शर्म क्या लागण है यार, पियो तो पीतू में झाड़ा झाड़ देखो बहुत काशी, और वो खेत में सब मरते कहाँ से, फोकिया लाई कदी बड़ी स्टार्ट करण सा तो स्टार्ट करनो मार करनो स्टार्ट है क्यों उसे आ यार आज राजी मुकदरा इमा कैसे गोड़ वाला तू बहुत सब झाड़ा यारो बो बाप रे। ये गाइस देखो मम्मी बहुत पूरे खेतों में बोने लग गई, ये बस टेक वन टेक थर्ड शुरू।
सभी घर वालों को टास्क दिया जा रहा है कि जल्दी खेत में जाइए और गोद बोइए। सब बोले हैं मम्मी अभी खेत को गुड़ाई करने लगी है, लेकिन इसमें गोहत की एक मात्रा तक नहीं है, एक मात्रा भी नहीं है इसमें गोहत की। पित्तू भी लगी है अपने काम में। मम्मी में गोहत काशी रहा है नीची आठ काट दे, 8 दिन लगातार दियो है गोया रहे, 8 दिन लगातार दियो। सिस्टम है भाई, मम्मी सिस्टम का है, सिस्टम का हाँ चल है, ये सिस्टम वर्ड है ना। वेरी गुड, अभी मम्मी काटने लगी पैथी, ये शाम को जानी है मुझे रनिंग में। पावर सिलेंडर भरे उन्होंने, एक सीन बताता हूँ। कल क्या कहते हैं, पापा ने रखा था चूल्हे में भात और मम्मी टुकला पत्ते से, पापा ने रखा था, पापा रखे चूल्हे में भात ठीक से, और वाडूरी के कोनी आधो भात बन रही थी, आधा भात बना था, उसी बाद आधो भात मतलब गैस ख़त्म, आधे भात में गैस ख़त्म हो गई, फिर बगल से बना के लाए भात को, और कल इतनी ख़राब किस्मत बारिश का पानी इंडक्शन चूल्हे के अंदर भी घुस गया, इंडक्शन चूल्हा भी ख़राब, और लेकिन वो अभी ठीक हो गया, मैंने ठीक कर दिया था वो। ये मम्मी था उल दामी मशहूर बिना पेड़ तो कुछ भाल ली हूँ, ये मर्जी खेते नहीं रहेगा उल है, नहीं कह रहा यार है तेरा कागड़ल छड़ गया यार उम्र से पता नहीं। अभी मैं ऊपर वाले खेत में जाने लग गया हूँ जहाँ हमने मिर्ची लगाई थी, तो एक बार देख के आता हूँ कि वहाँ कहीं काकड़ ने तो मिर्ची नहीं खा दी, मुझे तो लग रहा है कि खाई दी होगी यार। ओ शिट, खेत में मिर्ची दिखी नहीं रही है, ये देख लो हाल नहीं है मिर्ची भैया है। काकड़ ने खाई है यार, खाई है नहीं खाई है कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब तक इसकी गुड़ाई नहीं होगी ना तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा भैया, क्योंकि झाड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा झाड़ ये है। खुशी मिलती है मुझे मेरे पहाड़ों में बीते। गाइस अभी जा रहा हूँ खेत में, दोबारा से खेत में आ चुका हूँ बीन को ढूंढने, शायद कुछ आज के शाम के लिए कुछ सब्जी बन जाए, कुछ बंदोबस्त हो जाए बीन का। ये देखो ये बीन भी खा दी है यार, अभी समझ नहीं हुई नहीं हुई है पता नहीं, दिखाता हूँ आपको भी सबूत। ये देखो ये छोटी थोड़ी बहुत तो हुई है बीन, मतलब ये अभी इतनी इनकी लेंथ बड़ी नहीं है, देखो ये तो मैं इनको थोड़ा बहुत तोड़ता हूँ फिर बात करता हूँ। देखो अभी इतना, ये तो मैगी है, इतना बीन तोड़ के ला गया और फाइनल है, इतनी है, इतनी जितनी थी उतनी तोड़ के ला गया मैं, और चलो ना होने से अच्छा कुछ तो हुआ यार। दुकानों में तो इतनी सब्जी भी नहीं आ रही, इतनी महंगी सब्जी आ रही है, इसमें फर्स्ट क्लास आलू वालू कटेगा और उसके बाद सिस्टम हैंग वाली सब्जी बनेगी। अभी जाने लग गया हूँ रनिंग में, और एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, बहुत दिनों के बाद रोड का काम स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। करीबन 5-6 दिन के बाद रोड का काम दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने बोला था ना बारिश रुकी और धूप आ गई, तो इसी कारण रोड का काम रोड मतलब स्टार्ट ही रहना चाहिए यार, बारिश बहुत हो गई यार, अब चाहिए धूप कड़ाके वाली खेतों के लिए भी और हर किसी के लिए। तो गाइस दिखाता हूँ आपको नीचे कि कैसे मशीन काम कर रही है, पीछे को जा रही है मशीन, ये गई 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 अरे भाई जान लग रहे हैं अभी काम पे हैं। चलो 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 ये अभी रोड में मलवा आया है ना, तो उसको हल्का हल्का करके साफ करेंगे, देखो ये मिट्टी आई है ना पूरी, ये देखो ये वैसे मानना पड़ेगा इतनी बारिश में भी रोड नहीं उतरी यार, रोड डिस्ट्रॉयड नहीं हुई, इतनी इतनी रेन ड्रॉप हुई ना तो उस रोड में है दम, मतलब क्योंकि यहाँ की मिट्टी में पत्थर बहुत है, हमारे साइड की मिट्टी में बहुत ज़्यादा पत्थर है इसलिए। राजू
देखो बिल्कुल कान नहीं सुन रहे। हेलो ओ दा, अबे उनने कान में एयरफोन लगाया यार, सुन ही नहीं रहे। चलो कोई नहीं, उनको डिस्टर्ब नहीं करते, काम करने देते हैं। गाइस चलता हूँ रनिंग में, रनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, अब चलते हैं सीधे घर को। रोड सुनसान हुई है यार जब से बारिश हुई है, ऐसे भी जाने लग गया हूँ घर को। और आपने देखा होगा कि आज कुछ इतना था नहीं ब्लॉग में, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, कल से कंटिन्यू ब्लॉग आएंगे। अब यार मैंने सोचा है जो देख रहे हैं उनके लिए तो बनाना पड़ेगा ना, जैसे कि मेरे फैमिली मेम्बर देखते हैं, कोई बाहर रहता है तो उनके लिए तो बनाना पड़ेगा क्योंकि उनको घर की याद आती है। ठीक है गाइस चलते हैं।